हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक ऐसा स्ट्रेटजी लेकर के जिसका आरआर रेशियो बेहतरीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑसम एंड जिसका ब्रेक इवन पॉइंट स्पॉट प्राइस के काफी नजदीक है। जी हां फ्रेंड, टाइम वैल्यू काफी ज्यादा है, उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी बेहतरीन, जिसको जानने और देखने के बाद कि ये स्ट्रेटजी कैसे बना, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे कि कल परसों और डेली इसी तरह का स्ट्रेटजी बनाओ और मार्केट में इंप्लीमेंट करो। जी हाँ, आज का स्ट्रेटजी हमारा बैंक निफ्टी पे, क्या कुछ खास है इसमें, क्यों आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, इसका कारण ये है कि आप ओपन पोजिशन ना बैठाएं। ठीक है, आपका लॉस हमेशा लिमिटेड हो, रात को अच्छे से नींद आए। जब लॉस लिमिटेड होता है ना, तो रात में आप बिना टेंशन के सोते हो, क्योंकि आपको पता है कि भैया लॉस होगा तो इतना ही। जी हाँ फ्रेंड, और प्रॉफिट भी आपके दिमाग में सेट रहता है। मार्केट कहीं भी जाए, आप उसका टेंशन नहीं लेते, दिमाग में बस ये रहता है कि भैया चलो लॉस काफी कम है, उसके कंपेयर में हमें प्रॉफिट काफी अच्छा मिलने वाला है। जी हाँ, ऐसा स्ट्रेटजी बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए आप हमारे चैनल पर जा करके बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के प्लेलिस्ट में डेढ़ सारा वीडियो देख सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। प्लस हमारा लाइव क्लास चल रहा है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट टू मास्टर क्लासेस। ठीक है, मतलब लेमैन से लेकर के आपको एक्सपर्टीज तक का ज्ञान हम लोग देंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें कांटेक्ट करें, मेल करें, जैसे हम तक पहुंच सकते हैं करें। अभी 3 या 4 क्लास उसका लैप्स हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं, उसका बैकअप हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए जानते हैं कि बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी आज हमने कैसे बनाया है। यहाँ टॉपिक है बैंक निफ्टी। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर के हमने ये आज का स्ट्रेटजी बनाया है। ओके, यहाँ पे क्लियर मेंशन है 28 जुलाई एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या किया है, -1x, यानी कि हमने एक लॉट बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट किया है इस मंथ के एक्सपायरी, यानी कि जुलाई मंथ के एक्सपायरी का। ठीक है, और जुलाई मंथ के फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 34,782.3। ओके, इसके बाद हमने क्या किया है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमने सबसे पहला चीज, जब हम लोग डाउन साइड फ्यूचर हमने शॉर्ट किया है फ्यूचर, यानी क्या, हमारा प्रॉफिट तो डाउनसाइड अनलिमिटेड है ही, प्लस अपसाइड का रिस्क भी अनलिमिटेड है। जी हाँ फ्रेंड, ठीक है, फ्यूचर जब भी हम लोग बाय या सेल करते हैं, अनलिमिटेड लॉस का सिनेरियो ओपन हो जाता है। ओके, यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपसाइड के हमने कॉल बाय किया है, 34,500 का कॉल हमने बाय किया है, यानी क्या, इन द मार्केट का कॉल हमने बाय किया है। जैसा कि अगर हम लोग स्पॉट प्राइस देखें तो 34,750 के आसपास स्पॉट प्राइस अगर चल रहा होगा, तो यहां पे हम लोग ऑलरेडी फ्रेंड लगभग 250 पॉइंट इन द मार्केट बैठे हुए हैं, यानी क्या, जो नेट हमारा जो एक्स्ट्रा मनी मार्केट में, एक्स्ट्रा जो पैसा हमने मार्केट में दिया है वो 400 रुपए का दिया है इनटू लॉट साइज। ओके, साथ ही साथ जो हमने 400 का प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया है मार्केट में, उसको रिकवर करने के लिए हमने यहां पे पुट सेल किया है। कॉल बाय का भी एक्सपायरी सेम 28 जुलाई और पुट सेलिंग का भी एक्सपायरी सेम 28 जुलाई। 34,400 का हमने पुट यहां पे सेल किया है, जिसका प्रीमियम है 347.7। जी हाँ फ्रेंड, ठीक है, तो जो प्रीमियम वहां पे लॉस लूज होगा हमारा, वहां पे हमें गेन हो जाएगा। इसके कारण हमारा जो आरआर रेशियो है वो काफी बेहतरीन हो गया है। हम लोग यहां पे देखते हैं, मैक्सिमम जो लॉस है वो है 519 रुपए का मात्र, और जो प्रॉफिट है वो अराउंड 2000 का प्रॉफिट है, यानी 1:4 का अप्रॉक्स रिस्क रिवार्ड रेशियो। कहने का मतलब 1 रुपए के लॉस पे आपको 4 रुपए का मुनाफा देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बेहतरीन 44% का। ओके, एंड ब्रेक इवन पॉइंट देखें तो अप्रॉक्स
34,500 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे एग्जैक्ट जो ब्रेक इवन पॉइंट शो हो रहा है वो 34,479 का हमारा शो हो रहा है। और एस्टिमेटेड मार्जिन यानी क्या, जो हमें नेट वैल्यू पे करना है बैंक निफ्टी के फ्यूचर के एक लॉट को शॉर्ट करने के लिए प्लस उसका कॉल एक लॉट बाय करने के लिए 34,500 का प्लस 34,400 के पुट को सेल करने के लिए, ये तीनों कंबाइन स्ट्रेटजी मिला करके जो हमें नेट मार्जिन हमें पे करना है ब्रोकर को वो अराउंड 18,000 का है। मोर एंड इवन वोलेटिलिटी को देखते हुए अप्रॉक्स 20,000 हम लोग मान सकते हैं। मतलब क्या, 20,000 में आपका एक बेहतरीन सा स्ट्रेटजी प्रिपेयर्ड है जिसमें हमें सिर्फ 519 रुपए का लॉस है, अप्रॉक्स 500 रुपए का लॉस है एंड उसके कंपेयर में 2000 का प्रॉफिट है। ये हमारा पे ऑफ ग्राफ है फ्रेंड, ये हमारा पे ऑफ ग्राफ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टेज के बाद, कहने का मतलब है कि अराउंड 34,450 से जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो गेन हो जाएगा। ओके, या फिर 34,479 के पहले अगर क्लोज हो गया तो हमें कितना लॉस होगा, सिर्फ 519 प्लस। अगर आप डिस्काउंटेड ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो जस्ट लाइक जीरोधा पे स्टॉक्स, तो 20 रुपीज़ पर ट्रेड लगता है, तो 40-50 रुपये आप उसका मान लो, तो मोर एंड इवन अराउंड 519 है तो 600 का लॉस आप लोग सब कुछ चार्जेस वगैरह मिला कर करके होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि अपना जो अगला जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाला है, जो ट्यूसडे को हम लोग बैठाएंगे, जो मंडे को भी बैठा सकते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी है निफ्टी बैंक निफ्टी एंड एसबीआई, ये तीनों पे वो स्ट्रेटजी तैयार करेंगे आपके सामने। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि वो स्ट्रेटजी आप जब भी बैठाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी हाई मोर देन 55% का होगा एंड आरआर रेशियो 1:4 से भी ज्यादा। ओके, वो सीखेंगे बनाना आपके साथ, कैसे बनेगा सब कुछ जानेंगे। तब तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड।